हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही नए तरीके का डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं। और देखिए, इसको हमने स्क्वायर डिजाइन में बनाया है। ये चौकोर बन के कम्प्लीट होगा। जितना मर्जी आप बड़ा छोटा बना सकती हैं। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 20 फंदे ले लिए हैं। आप इसको 40 फंदे का भी बना सकते हैं या 60 फंदे का बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको चाहिए उसके हिसाब से आप फंदे इसमें डाल के तैयार करेंगे। तो फर्स्ट रो में ही डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे पहली रो में ही। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। उसके बाद देखिए, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डाले थे तो अब मेरे पास 19 रह गए। अब यहां से देखिए, पूरी रो हम इधर से भी ऐसे ही बुन लेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और ये डोरमेट या टेबल मैट जो भी आप यूज करना चाहें, इसको बिगनर्स आराम से बना सकते हैं। और देखने में भी काफी प्यारा लगता है बनने के बाद। सिंपल है लेकिन देखने में काफी सुंदर डिजाइन है ये। तो इस तरह से देखिए, हमने ये दूसरी रो यहाँ पे कम्प्लीट कर दी। ये देखिए, अब देखिए हम यहाँ से पलट लेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरा फंदा घटा देंगे। 2 का 1 कर दिया, पहले हमने 1 घटाया अब फिर घटा दिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास 18 फंदे इस रो में बचेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये देखिए, इस साइड में हमें कुछ नहीं करना होता है। इस साइड हम ऐसे ही इसको बुनेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए वापस हम 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे यहाँ पे 6 रो में घट गए, दोनों तरफ की 6 रो। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा। दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बुनते जाना है आपको। और देखिए, यहाँ से इसको हमने ऐसे बुना। अब पूरे फंदे हम इधर से भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों तरफ की 6 सलाई हमने बुन ली हैं, 3 इधर से और 3 उधर से। तो 3 गांठ स्टिच हमारी सीधे साइड आ जानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा फंदे डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे रो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से। तो अब देखिए, हम यहाँ पे ऐसे देखिए 2 का 1 कर देंगे। और देखिए, 1, 2, 3, 4 फंदे हमने यहाँ पे रखे। ये देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3 रो ये हमारी बन गई हैं। 1 ये वाली फंदे डाली वाली है। तो यहाँ पे 6 रो हमने कंप्लीट की। फिर अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे में हमने ये कलर लगा लिया। अब यहाँ से हम पिंक कलर से ये बुनेंगे।
ये देखिए इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए ऐसे धागा क्रॉस करा देंगे, इसको हम इधर लाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ से हमने ये चार फंदे इस कलर से ही बुनने हैं। अब देखिए हम यहाँ से देखिए यहाँ पे दो का एक करेंगे ऐसे, तो ये मेरे पास अब तीन फंदे यहाँ पे बचे। एक फंदा हम पिंक कलर वाला ब्लू कलर से बना लेंगे। ये देखिए फंदे चार ही रहेंगे हमारे। ये देखिए इस तरह से अभी बनाना है इसको। अब देखिए यहां से जो जैसा है सीधे तरफ से आपको कुछ नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसे ही बुनते जाना है। ये देखिए तो चार रो इसकी पिंक कलर की भी यहाँ पे आ गई हैं मेरे पास ऐसे। देखिए अब देखिए हम वापस इसको पलट लेंगे और फिर से यहां से हम दो का एक कर देंगे। ये देखिए और एक फंदा हम पिंक वाला ब्लू से बुन लेंगे। ये बना लिया, उसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस। ये देखिए ऐसे पलट जाएंगे फिर। अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब इसको हम ऐसे देखिए, इसको आपको ऐसे क्रॉस कराना है, इसको आगे लाना है ब्लू कलर को इस तरह से। देखिए तो अब देखिए वापस हम यहाँ पे दो का एक कर देंगे और देखिए तीन और एक फंदा हम ये कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये चार रो आ गई हैं मेरे पास अभी। तो देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से दो का एक कर देंगे और देखिए ये तीन और एक फंदा हम फिर से कर लेंगे। ये देखिए तीन तीन छः दो आठ, आठ फंदे बचे हैं मेरे पास अभी। तो यहां से देखिए एक दो तीन, तीन फंदे हमने इधर से कर लिए। ये देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ से हम फिर से पलट लेंगे, फिर से हम दो का एक कर देंगे और देखिए ये तीन एक हमने ये कर लिया। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे हमने ये ब्लू से ऐसे कर लिए। अब देखिए यहाँ पे तीन और तीन छः सात फंदे बचे हैं, तो इनमें हम अब ये तीसरा कलर ऐड कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप इतनी ही रो बनाएं, आप अगर कम ज्यादा फंदे ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी रो यहाँ पे सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये ग्रीन लगा लिया और अब हम इसको भी ऐसे ही बुन देंगे। ये देखिए इस तरह से एक एक फंदा घटाते हुए हम बुनेंगे। बनाना सेम ही है आपको जैसे हम ये बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वापस दो का एक कर देंगे
ये देखिए एक फंदा हम ग्रीन में से ब्लू कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बचे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे ही अभी हम इसे बुनते जाएंगे। इसको हम ऐसे करेंगे पीछे के साइड, इसको हम आगे के साइड लाएंगे और इधर से हम ये दो का एक कर देंगे। देखिए उल्टे साइड से दो का एक करना होता है और एक फंदा ये ग्रीन वाला ब्लू से बुनना होता है। ये देखिए ऐसे बुन लिया। ये देखिए यहां से ये देखिए इसको हमने ऐसे किया और यहां से ऐसे। तो अब देखिए यहां से हम इसको पलट लेंगे और यहां पे वापस दो का एक कर देंगे। उसके बाद देखिए दो तीन और एक फंदा हम ग्रीन वाला ब्लू से बना लेंगे चार। ये यहां पे चार ही फंदे रहेंगे, याद रखना आप, एक भी फंदा आपका कम ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसे। इसको हमने ऐसे बुन लिया। अब ऐसे ही हम इसको अभी बनाएंगे लास्ट के एक फंदे तक। ये देखिए दो तीन, एक फंदा हमने फिर से कर लिया तो चार हो गए मेरे पास। अब देखिए एक दो तीन, वापस हम दो का एक कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम फिर से एक फंदा ये कर लेंगे और अब मेरे पास दो फंदे ग्रीन के रह गए हैं तो इनको भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हम दो का एक कर लेंगे। ये देखिए एक कर लिया। अब लास्ट में मेरे पास एक फंदा ग्रीन का रह गया है। ये देखिए अब यहां से देखिए फिर से हमने पलट लिया, यहां पे दो का एक कर दिया और ये वाला फंदा भी हमने ये ब्लू से कर लिया। तो ऐसे ये हमारे पास यहाँ पे देखिए चार फंदे इसके आ गए हैं। तो अब देखिए मेरे पास चार ब्लू कलर के थे तो इनको भी हम ऐसे ही बुन लेंगे दो का एक करते हुए। ये देखिए दो तीन, पलट लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से फिर से हमने दो का एक किया और इस फंदे को ऐसे ही बुन लिया। पलट लेंगे यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे वापस हम यहाँ पे दो का एक कर देंगे। तो देखिए लास्ट हमने इसको एक फंदे तक बना लिया। तो देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल पीस बनके कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए अब आप यहाँ से आप देखिए हमने यहाँ से फंदे डाले, यहाँ से हमने एक एक फंदा घटाया और इस साइड से ऐसे ही बुना। तो अब देखिए जो सेकंड कली बनेगी यानी कि दूसरी कली बनेगी तो यहाँ पे हमारे पास एक फंदा है। देखिए ये एक फंदा है। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से हमने फंदे ये डाल के यहाँ से एक एक फंदा घटाया और
ये देखिए, यहाँ से हमें एक एक फंदा उठाना है जितने फंदे का आपने बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे 20 फंदे लिए थे, तो हम यहाँ पे एक फंदा मेरे पास है, 19 फंदे मैं और इसमें उठा लूंगी। तो देखिए, ये देखिए इस तरह से कुछ एक फंदा ये मेरे पास है, इसी धागे से ऐसे देखिए दो तीन, हर एक रो में से एक एक फंदा आपको ले लेना है, तो आपके ये पूरे फंदे हो जाएंगे। तीन, देखिए चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह और देखिए 19। यहाँ पे 19 फंदे हमने उठा लिए, एक मेरे पास ये था। तो अब देखिए ये इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो अब हम यहाँ से देखिए ये दूसरी कली बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम देखिए, अब यहाँ से अभी हमें कोई फंदा नहीं घटाना, जैसे ये वाला पार्ट बना है यहाँ से, अब ये यहाँ से ऐसे ही रहेगा, यहाँ से फंदा घटेगा। तो इस तरह से ये आपको बना के तैयार करना है। तो हम थोड़ा सा आपको और बता देते हैं, उसके बाद सेम तरीके से आपको ये बना के कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी आप बना पाएंगी, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है बनने में। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे, देखिए ये देखिए, अब यहाँ से देखिए ऐसे हम यहाँ पे दो का एक करेंगे और तीन रो, जैसे हमने ये यहाँ पे दोनों तरफ की छह रो बनाई थी, ठीक वैसे ही हमें बनानी है। दो का एक कर दिया और आगे के हम सारे फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो सेम हम इसको रिपीट करते हुए बनाएंगे, बनाने के बाद हम आपको ये कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे कली का एंड हो गया। तो ऐसे ही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ऐसे बनते हुए पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे चार कली में ये ऐसे कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम एक जगह इसको सिलाई लगा देंगे, यहाँ से देखिए कॉर्नर से सिलेंगे हम इसको ऐसे, देखिए बिल्कुल आपको ये मिलाते हुए सिलना है, ये छोटा बड़ा कहीं नहीं होगा। देखिए पूरा ये क्लियर बन के कम्प्लीट होगा और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप बिगनर्स हैं फिर भी आप इसको बना लेंगे, क्योंकि सिंपल है, इसको बहुत ही जल्दी है ये बन के तैयार हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक हमने इसको ऐसे बंद कर दिया, तो देखिए बीच में ये इस तरह से आ जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पे अब हम कट कर देंगे इसको।